बिहार का एक जवान ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया। बिहार के गया का रहने वाला जवान दुश्मनों के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए निकला था। इसी दौरान सेना का ट्रक अरुणाचल प्रदेश में 4000 फीट नीचे खाई में गिर गया और इस हादसे में गया जिला के अलीपुर थाना के केसपा निवासी रोशन कुमार समेत कई जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। जवान रोशन के शहीद होने की खबर सुनते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव के अन्य लोग भी गमगीन और दुखी हैं। रोशन आर्मी में नायक के पद पर तैनात थे। वहीं रोशन ने हादसे से एक दिन पहले परिवार को वीडियो कॉल कर बात की थी और जल्द ही छुट्टी लेकर घर वापस आने की बात कही थी। वो फरवरी मार्च महीने में अपने गांव आए थे और अपने नए घर का गृह प्रवेश किया था। आपको बता दें, शहीद रोशन ने साल 2014 में आर्मी जवान के रूप में ज्वाइन किया था। वो लगातार 3 साल तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ENSG में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे और अभी अरुणाचल में आर्मी के नायक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। रोशन की शादी रेशमी कुमारी से साल 2016 में हुई थी। उसके बड़े भाई दिल्ली में निजी कंपनी में कार्यरत हैं, वहीं पिता पटना में रहकर निजी क्षेत्र में जॉब करते हैं। बेटे के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसर गया। न्यूज़ डेस्क।